फ्रेंड्स, अभी को राधे राधे। तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम सबका पारंपरिक खाना बना रहे हैं। तो लगभग कुछ कुछ सब तैयार हो चुका है, जैसे दही बड़ा और कढ़ी उड़ी तैयार हो गए हैं। यहाँ मम्मी लोग भी ऊपर आ चुकी हैं, सूप थोड़ा सजा जा चुका है। देखिए तो ये लोग बैठे हुए हैं और ठंडा भी ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है। हम भी नहा धोवा के ऊपर आ चुके हैं और सब लोग ऊपर रेडी हैं बैठे। बहुत ही अच्छा लगा, रात में सब लोग यहीं रुके थे और सब लोग सुबह नहा धो के रेडी होके आ चुके हैं। हम भी सब लोगों का खाना बना के, और सिर्फ चावल नहीं बना है और पकौड़ी का भी तैयारी कर दिए हैं, क्योंकि जब यहाँ से पारण, जब ये लोग अर्घ दे के जाएंगे तो सबको चाय पकौड़ी देंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, उसके बाद सब लोग खाना खाएगा तो चाय चावल बनेगा गर्म गर्म। और यही है हमारे देवर जी जो बच्चों के साथ पटाखे छोड़ रहे हैं। ये कोसी भराई का एक वीडियो था जो हम बनाए थे तो छूट गया था, तो सोचे कि अभी डाल देते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, हमारी जेठानी लोग, देवरानी, मम्मी की गोतनी लोग, सब लोग, चाची सास लोग सब हैं। बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा कि बहुत ही अच्छा लगता है छठ का त्यौहार, कि सब लोग मिल के छठ पूजा का त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने सब लोगों का वीडियो शूट कर लिया, और यहाँ पर हमारी दादी सास भी हैं जिनका वीडियो हमने बनाया है, उनका भी स्माइल करने बोला है। अच्छा लग रहा था, सब बहुत ही अच्छा लग रहा था। हंसी है, हंसी है, हाँ हाँ। विनीता का भी ले रही, विनीता ज्यादा हंस देगी, ये तो बहुत शर्माती है। तो इसको और खींचिए पीछे, हाँ देखिए अच्छा से, अब हंसी है थोड़ा, स्माइल लाइए, छोड़ दीजिए। सुबह निकलने वाले हैं तो मम्मी और नहीं नहीं वो तो ऐसे लोग कर रहे हैं, और जैसे अच्छा रहा है तो दीदी थोड़ा थोड़ा पानी अपने ऊपर डाली। और यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था, प्यार लग रहा था। और बच्चों ने भी खूब मस्ती किया इस बार, क्या हर बार करते हैं और अभी भी बहुत कर रहे हैं। ओ चुक चुक दिया समा के लखनल जी संसारली। Thank you.
उनके